नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। नारायणपुर में नक्सलियों के खिलाफ जवानों को बड़ी सफलता मिली है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर आज फिर से नक्सलियों के शव वापस ला रहे जवानों के साथ नक्सलियों की मुठभेड़ हुई और जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने एक और नक्सली को ढेर कर दिया। कल मुठभेड़ में 7 नक्सलियों को हमारे वीर जवानों ने मार गिराया था और अब तक इस मुठभेड़ में जवानों ने कुल 8 नक्सली मारे हैं। वहीं जवानों ने इलाके से भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक सामग्री बरामद की है। वहीं मुठभेड़ के बाद जवानों की तस्वीर भी सामने आई है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सुरक्षा बलों के जवान जान जोखिम में डालकर इंद्रावती नदी को पार करते हुए नक्सलियों के शवों को ले जा रहे हैं। तस्वीर आपके सामने, एक्सक्लूसिव तस्वीर है न्यूज स्टेट पर, जहां पर अब तक सुरक्षा बलों ने 8 नक्सलियों को ढेर कर दिया है और लगातार छत्तीसगढ़ में लाल आतंक पर प्रहार किया जा रहा है। तस्वीरें इंद्रावती नदी की हैं, जहां पर नक्सलियों के शवों को कंधे पर ढोकर जवान देखे ला रहे हैं और मुठभेड़ में अभी एक और नक्सली थोड़ी देर पहले मारा गया है। और एक्सक्लूसिव तस्वीर है न्यूज स्टेट आपको दिखा रहे हैं, इंद्रावती नदी पार करते हुए वीर जवान और मौके से इन्होंने भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए, गोला बारूद बरामद किया, जो नक्सली सामग्री थी वहां पर वो वहां से बरामद किया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि 8 नक्सली अब तक ढेर हो चुके हैं। कल 7 नक्सली मारे गए थे और आज जब नक्सलियों के शवों को लेकर आ रहे थे जवान, तो उस दौरान भी नक्सलियों से मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में एक नक्सली भी मारा गया। यानी कि कुल मिलाकर कल 7 और एक आज, यानी कि 8 नक्सली अब तक इस मुठभेड़ में ढेर हो चुके हैं। तो नारायणपुर में हुए नक्सली हमले पर डिप्टी सीएम